हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी सी एक केक की रेसिपी, जो कि वेज केक है। बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में सुपर टेस्टी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है केक टिन और इसको कर देंगे हम सबसे पहले ग्रीस। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ऑयल और अच्छे से इसको चारों तरफ मिला लेंगे। देखिए तेल लग चुका है चारों तरफ। अब हम क्या करेंगे कि हमारे घर में जो नॉर्मल A4 शीट का पेपर होता है, अपने साइज़ के हिसाब से टिन के काट लेंगे और टिन के ऊपर लगा के दोबारा उसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर या फिर मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा ग्लास, इसी से हम सब कुछ मेजरमेंट कर लेंगे। एक ग्लास चीनी और एक ग्लास रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। आप चाहें तो बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बराबर मात्रा में मैं ले रही हूँ दूध और अब हम इन तीनों को अच्छे से पीस लेंगे इसी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो चीनी का मात्रा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए, हमने बाउल में इसको डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जिस ग्लास से हमने सब कुछ मेजरमेंट किया था, उसी ग्लास से हम यहाँ पर डेढ़ ग्लास डाल देंगे मैदा। तो मैदा ज़रूर आप छान के डालिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने डाल दिया है डेढ़ ग्लास मैदा और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कोको पाउडर। मेरे पास बचा हुआ था 1 से 1.5 चम्मच, तो मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये काफ़ी गाढ़ा बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा दूध। पहले हमने बैटर बनाते समय 1 ग्लास दूध डाला था दोस्तों, और अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा और दूध, ताकि जो हमारा ये गाढ़ा सा बैटर है ये बिल्कुल रिबन टाइप से बन जाए। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक के साथ ज़्यादा दूध मत डालिएगा। यहाँ पर लगभग मैंने 6 से 7 चम्मच दूध डाला था फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास वनीला एसेंस है, तो मैं इसको 6 से 7 ड्रॉप डाल दे रही हूँ इसमें। इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और चुटकी भर नमक, ताकि जो हमारी केक की मिठास है वो बैलेंस हो जाए नमक से, बस चुटकी भर ही डालिएगा। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधे से भी कम छोटा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। और इन सबको हम मिला लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा बैटर देखिए बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा बैटर केक बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर। लगभग आधा चम्मच हमने डाला है इसमें विनेगर, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपके पास नहीं है तो ना डालें। और फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद हम अपने बैटर को डाल देंगे केक टिन में। तो आप देख सकते हो ये किस तरह रिबन की तरह गिर रहा है, मतलब कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम इसको 4 से 5 बार टैप कर लेंगे, ताकि जो भी एयर बबल्स है वो सारे बाहर आ जाए। और बस इसके ऊपर हम थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है फिर हमारा केक। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने डाल लिया है ड्राई फ्रूट्स। और हाँ, हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है प्री हीट होने के लिए। तो आज हम कढ़ाई में नहीं, हम बना रहे हैं कुकर में। तो फ्रेंड्स देखिए, कुकर के अंदर डाल दिया है हमने नमक, उसके ऊपर रख दिया है एक छोटा सा स्टैंड। आपके पास अगर स्टैंड नहीं है तो आप नॉर्मल छोटे से प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेट को पलट कर रख दीजिए और जो कुकर का ढक्कन है उसमें से हम रबड़ निकाल लेंगे और सीटी भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर याद से रबड़ और सीटी ज़रूर निकाल लीजिए ढक्कन से। और अब हम इसके अंदर रख देंगे अपने केक टिन को। तो फ्रेंड्स, हमने कुकर को लगभग 10 मिनट प्री हीट कर लिया था और हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। सभी के अलग अलग होते हैं गैस के फ्लेम, कम या ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम टाइम लग सकता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने 40 मिनट के बाद चेक किया था, तो देखिए थोड़ा सा क्रैक आ गया है केक में, बट कोई बात नहीं। देखिए, हमने चेक किया तो हमारा चाकू बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल गया है 40 मिनट में तैयार होकर। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद देखिए, साइड से थोड़े से एजेस को छुड़ा देंगे और छुड़ा कर हम एक प्लेट में इसको पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है देखने में हमारा केक। तो बस अब पलट दिया हमने और टैप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो एक बार टैप करते ही निकल गया, क्योंकि हमने अपने बर्तन को बहुत ही अच्छे से ग्रीस किया था। तो देख सकते हो आप, केक बिना जले कितने आसानी से हमारा पेपर निकल गया और केक भी बाहर आ गया है फ्रेंड्स। और केक बहुत ही सुंदर बना है, टेस्टी। तो देखिए, बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको पलट लेंगे।
तो अब हमने पलट लिया है केक को और अब कट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो कितना स्पंजी बना है केक हमारा, कितने आसानी से ये कट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।